रोहित खत्री, जिनको पहले हम रोहित छपरी भी कहा करते थे इस चैनल पे, उनके ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे आज की वीडियो में। हालांकि अब मैं रोहित छपरी नहीं कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी छपरी पंथी कम कर दी है, स्पेशली पिछले एक दो सालों में जब से उन्होंने कम्पीट करना स्टार्ट किया। और इसका क्रेडिट देखिए मैं एक अच्छी गाइडेंस को दूंगा, उनके कोचेस को दूंगा। आपको पता है उनके कोच थे पहले अंकुर, और अंकुर नाम के लोग आपको पता समझदार होते हैं। अब उनके कोच है मुकेश गहलोत जी, गुरु जी, वो अगेन एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, समझदार है। तो अच्छी गाइडेंस की वजह से, अच्छी कोचिंग की वजह से हमारे रोहित खत्री, रोहित छपरी जिनको हम पहले कहते थे, अब उन्होंने छपरी पंथी अपनी कम कर ली है, एक मैच्योर समझदार बंदे की तरह वो बिहेव करते हैं। और इसलिए मैंने बहुत टाइम से उनके ऊपर कोई रोस्ट वीडियो भी नहीं करी है भाई। और इसका लाइव एग्जांपल दोस्तों आप खुद देख सकते हैं। आपको पता है अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बारबेल कर्ल के रिगार्डिंग। मैं रोहित खत्री जी ने कहा है कि भाई बारबेल कर्ल करने से आपके जो बाइसेप्स हैं सबसे बढ़िया ग्रो होते हैं, जबकि पहले वो कहते थे कि भाई मुठ मारने से, मैस्टरबेट करने से आपके बाइसेप्स सबसे बढ़िया ग्रो होंगे। मुठ मार के आया हूं, बाइसेप्स देखो, एब्स देखो, महीने भर मारी। देखिए महीने भर मैस्टरबेट करने से लेकर जो बारबेल कर्ल तक की जर्नी हमारे रोहित खत्री जी की, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बट कई बार दिक्कत क्या होती है कुछ लोगों के साथ कि वो अपनी बॉडी को अपनी ईगो से जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई मैंने बॉडी बनानी तो मैंने सब कुछ कर लिया, दुनिया का सबसे बड़ा काम मैंने कर लिया, भले ही उस बॉडी का कोई यूज ना हो, भले ही आपने कोई चैंपियनशिप ना जीती हो, आपको ये अंदर से लगने जाता है कि भाई मैंने बॉडी बनानी है तो दुनिया का सबसे महान काम मैंने कर लिया। और इनफैक्ट ये भी कुछ लोगों को लगता है कि भाई जिस बंदे की बॉडी नहीं है या मेरे से कम बॉडी है वो बंदा एक नंबर का फुद्दू है, लूजर है, और वो जो भी कहना चाहे वो बात सही भी हो बट मेरे आगे वो गलत है क्योंकि उसकी बॉडी मेरे से कम है भाई। और देखिए यही केस हमारे रोहित खत्री जी का, भले उन्होंने बॉडी बना ली है एनाबॉलिक्स लेकर, बट उनकी जो नॉलेज है एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, इवन सप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग वो भाई जीरो है। अगर आप उनकी वर्कआउट वीडियोस देखोगे तो आप एक बात नोटिस करोगे कि मोस्ट एक्सरसाइजेज उनको सही फॉर्म से परफॉर्म करने तक नहीं आती है। इनफैक्ट अपनी काफी वीडियोस में वो डेंजरस एक्सरसाइजेस लाइक अपराइट रोज, बिहाइंड द नेक पुल डाउन, जिनसे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत एक खराब इंजरी हो सकती है, ऐसे एक्सरसाइज वो प्रमोट करते हैं, रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने फॉलोअर्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई उनकी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो भाई जीरो है। पैसे मिलने से पहले वो मास गेनर जैसे सप्लीमेंट्स को खराब बताते हैं, टट्टी बताते हैं, बट पैसे मिलते ही कहते हैं कि भाई मास गेनर तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको बॉडी बनानी है। मास गेनर थोड़ी होता है यार कुछ तो, कभी भी आपका कितना ही कम वेट हो, प्लीज 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 मास गेनर बाय मत करो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक मास गेनर जो आपका वेट गेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ये है ज़ीनथ न्यूट्रिशन का मास गेनर। कंपनी एक इतनी बड़ी कंपनी है गाइस, हर किसी को पता होगा ज़ीनथ न्यूट्रिशन के बारे में। सिमिलरली पहले वो अपनी वीडियोस में कहते थे कि भाई शैम्पू कंडीशनर सारे यूजलेस है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से पॉपुलर है क्योंकि लोगों को पैसे कमाने हैं, बट बाद में वही शैम्पू कंडीशनर वो अपनी वीडियोस में प्रमोट करते दिखते हैं। अपने आपको हेल्दी रखे, फिट रखे, अच्छा न्यूट्रिशन ले तो ये टोने टोटके करने से, ये बालों में कुछ कुछ लगाने से कुछ नहीं हुआ। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑयल, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनर, डिफरेंट डिफरेंट शैम्पूज, ये सब मार्केटिंग है, सब लोगों को पैसा कमाना है। तो मैं पर्सनली कौन सा शैम्पू और कंडीशनर यूज करता हूं, वो है वाव का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। पहले अगर आपके बाल देखो डैमेज है, थिन आउट हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, इन तीनों चीजों से में से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कंडीशनर के पास है। गांडू किसी एक का तो हो रहा है। देखिए इसके बावजूद भी कुछ बेवकूफ लोग उनको फॉलो करते हैं फिटनेस एडवाइस के लिए, सप्लीमेंटेशन एडवाइस के लिए। हालांकि मोस्टली जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भाई उनकी वाइफ की वजह से है। अगर आप उनकी वीडियोस पे कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो मोस्टली उनकी वाइफ के लिए मिलेंगे आपको, और ये बात उनको भी पता है भाई, इसलिए वो अपनी वीडियोस में अपनी वाइफ को अच्छी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, एक्सपोज करते हैं उसे ताकि फॉलोअर्स बढ़े। और देखिए अगर हम बात करें इस बारबेल कर्ल वाली कॉन्ट्रोवर्सी की, जिसको रोहित खत्री ने कहा था कि वो बेस्ट एक्सरसाइज है, और जिसके रिस्पॉन्स में कशिश गुप्ता ने एक लॉजिकल वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई बारबेल कर्ल में आपके हैंड फिक्स्ड होते हैं, एल्बो पोजिशनिंग थोड़ी अननेचुरल होती है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको टेंडिनाइटिस हो सकता है, जो कि बात देखिए सही भी है और काफी लॉजिकल भी है। और इस लॉजिकल रिप्लाई के रिस्पॉन्स में रोहित खत्री ने कहा था कि भाई एंगल पेंगल से फर्क नहीं पड़ता, पहले तुम मेरी जैसी बॉडी बना के दिखाओ तब मैं तुम्हें मानूं। भाई एंगल पेंगल अंदर घुस जाएंगे जिस दिन अच्छे तरीके से बाइसेप्स कर्ल करोगे ना बारबेल से, समझ में आएगा भाई। इतना ही पता है तो खुद की बॉडी भी बना लो, और ये देखो बाइसेप्स। तो एक लॉजिकल रिप्लाई देने के लिए माने रोहित खत्री जी कह रहे हैं भाई जो मेरा डोला है वो तुमसे बड़ा है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। भाई ये बात ठीक है आपका डोला हमसे बड़ा है, बट वो डोला कितना यूजफुल है जरा वो भी टेस्ट करें एक बार मैदान में, कभी आप आए अखाड़े में या एमएमए फाइट में और देखें कि कैसे 14-15 इंच के डोले वाले फाइटर्स आपकी गांड तोड़ते हैं एक मिनट में। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने डोले को बड़ा करने के लिए आपने अपने लोले को कैसे सेक्रीफाइस किया, जरा उसकी रिपोर्ट पब्लिकली शेयर करें। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ भाई, अगली बार अपने कॉम्पिटिशन से 2 हफ्ते पहले अपना फर्टिलिटी टेस्ट कराएं, उसकी रिपोर्ट पब्लिकली यूट्यूब पर अपलोड करें ताकि दुनिया को पता चले भाई कि अपने डोले को बड़ा करने के लिए आपके लोले का क्या हाल हो चुका है।
और ये मेरा ओपन चैलेंज है भाई कि एक 60 साल के बुढ़े इंसान की रिपोर्ट फर्टिलिटी के मामले में आपसे बेटर मिलेगी कंपटीशन से पहले। तो मतलब एक 60 साल के बूढ़े इंसान की आपसे ज़्यादा चांसेस है बाप बनने की, बच्चा पैदा करने की। तो ये भाई असली औकात है आपके डोले की। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जिस बॉडी का हमारे रोहित खत्री जी शो ऑफ कर रहे हैं अपने डोले का, अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए, उस बॉडी का भाई कोई यूज़ नहीं है प्रैक्टिकलिटी में। एक 60 किलो का एमएमए फाइटर या 60 किलो का रेसलर 100 किलो के बॉडी बिल्डर को 30 सेकंड में चित कर सकता है। और देखिए जहाँ तक हेल्थ की बात है, ब्लड रिपोर्ट की बात है, जिसकी सारे लोग बात कर रहे हैं इस कॉन्ट्रोवर्सी में, हमारे रोहित खत्री जी ने रिसेंटली अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है और ये क्लेम किया है कि एक नेचुरल बंदा, नॉर्मल बंदा जो स्टेरॉयड नहीं भी ले रहा, वो भी उतना ही अनहेल्दी जितना स्टेरॉयड यूजर है, उसकी भी जो ब्लड रिपोर्ट है वो उतनी खराब आ सकती है जितनी स्टेरॉयड यूजर की है। नॉर्मल इंसान अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी प्रोफाइल परफेक्ट आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान की ज्यादा बढ़िया आएगी और एक स्टेरॉयड लेने वाले की ज्यादा बेकार आएगी। भाई एक काम करना, अगली बार कॉम्पिटिशन थे ना ऑलमोस्ट एक महीना पहले, जब आप स्टेरॉयड साइकिल पे होंगे, अपनी ब्लड रिपोर्ट कराना, उसे यूट्यूब पे डालना और उसे कंपेयर करना एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल से भी, प्लस एक 70 साल के बूढ़े इंसान से भी। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, एक नॉर्मल बंदे के देखिए आपसे बेटर रिपोर्ट आएगी ही, पर जो 70 साल का बूढ़ा इंसान है जो अपने आखिरी साल जी रहा है, वो भी भाई आपसे ज़्यादा हेल्दी होगा, उसकी ब्लड रिपोर्ट भी आपसे बेटर आएगी। आप एक नॉर्मल इंसान, एक एथलीट से आप खुद को कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो जब ब्लड रिपोर्ट कंपेयर करने की बारी है, तो ये बंदा कह रहा है कि आप एक कैसे स्टेरॉयड यूजर की ब्लड रिपोर्ट एक नेचुरल बंदे से कंपेयर कर सकते हैं। भाई यही बात हम दरों कह रहे थे कि तेरे जैसे स्टेरॉयड यूजर की बॉडी तो हमारे साथ एक नेचुरल बंदे यार कैसे कंपेयर कर सकता है। तभी लोग तेरे को कह रहे थे कि अगर बॉडी का साइज कंपेयर करना है ना, तो उसके बाद बॉडी की हेल्थ भी कंपेयर कर, तभी पता चलेगा भाई किसकी बॉडी में कितनी जान है। आप एक बैठ के किसी कमरे में कुछ कुछ बोलते रहते हो, अगर ऐसे ही बैठ कर कुछ होता तो जो ओलंपिक्स में जो लोग खेलते हैं उनके कोचेस चैंपियन होते। देखिए ये बात ठीक है कि जरूरी नहीं हर कोच चैंपियन हो, बट इसके केस में अगर हम देखें, पहले इसके कोच थे अंकुर सर, उसके बाद थे मुकेश गहलोत जी, दोनों वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, बट ये दल्ला आज तक किसी कंपटीशन में टॉप 10 में भी नहीं आया। बातें कंपटीशन से पहले बड़ी बड़ी करता है, जीतेगा तुम्हारा भाई, आओ मत खेल तुम कंपटीशन, मैं जीतूंगा जिसमें तुम रोक लेना, जो बोलोगे ना पूरे साल वो दूंगा, जीत के दिखा देना कभी। जीतना तुम्हारा भाई है तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझ आई? अगर दोस्तों हम इस बंदे की क्रेडिबिलिटी की बात करें, इसी वीडियो में ये बंदा एक ऐसे ब्रांड का प्रोटीन प्रमोट कर रहा है जो कि इंडियन मार्केट में सबसे पॉपुलर है अमीनो स्पाइकिंग के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा भाई उस ब्रांड का, बट मोस्ट लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री में है उनको ये बात पता है भाई कि उसके ब्रांड के लेबल के ऊपर, न्यूट्रिशन लेबल के ऊपर जितना प्रोटीन लिखा होता है ना, लैब रिपोर्ट में उसका आधा भी नहीं मिलता। और ऐसे घटिया प्रोडक्ट ये अपनी वीडियोस में प्रमोट करता है, अपनी ऑडियंस को कहता है कि भाई तुम ये प्रोटीन लो तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी। मैंने आज तक भाइयों 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया होगा, कुछ ने तो मेरी रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है कि मैं कैसे बात करता हूं, क्या चीजें करता हूं। और मैं भी इंसान हूं, ये नहीं बोल रहा कि मैंने 10,000 में से 10,000 को दुनिया की बेस्ट कोचिंग दी होगी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पर हाँ मैं ये बोल सकता हूँ 10,000 में से 8 से 9,000 तक लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। जाकर मेरी इंस्टाग्राम हाईलाइट चेक कर लेना, इसके इंस्टाग्राम हाईलाइट में आपको मुश्किल से 100 लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोज मिलेंगी, बट क्लेम ये कर रहा बंदा कि मैं 9,000 लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। अब देखिए कोई भी बंदा जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहा होता है वो यही कोशिश करता है कि मैं ज्यादा अपने क्लाइंट की ट्रांसफॉर्मेशन डालूं ऑनलाइन, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि और लोग आए मेरे पास, बट इसके इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगी मुश्किल से 100 लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हो सकता है कुछ लोग जो अपना फेस ना रिवील करना चाहते हो या सोशल मीडिया पे ना हो, वो इसको कहें भाई साहब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन अपन डाल लो, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई 9,000 लोग इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से 8,900 लोग मना कर रहे हैं अपना फेस शेयर करने के लिए या फेस को रिमूव करके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और सिर्फ 9,000 में से 100 लोगों ने इसको अलाउ किया कि आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो ऑनलाइन पब्लिक में डाल सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया का जमाना है, मोस्ट लोग चाहते हैं कि ज़्यादा वो प्रमोट होए, स्पेशली अगर कोई रोहित खत्री जैसा इन्फ्लुएंसर है जिसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो तो जरूर चाहेंगे कि 5 मिलियन वाले पेज पे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखे ताकि मैं पॉपुलर हूँ, इन्फ्लुएंसर बनूँ। और अभी इसने खुद एडमिट किया कि 10,000 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग दे चुका है जिसमें से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है 100 जिसके इंस्टाग्राम पे है। अब मान लो भाई 100 ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी जिसमें लोग अपना फेस वगैरह शेयर ना कर जाते हो, तो सेफ साइड मान लेते 200 लोगों को इसने ट्रांसफॉर्म किया, तो 200 को अगर आप डिवाइड करोगे 10,000 से तो आता है 2%,
मतलब इसकी पर्सनल ट्रेनिंग का जो सक्सेस रेट है, ट्रांसफॉर्मेशन रेट है, वो है सिर्फ 2%, 100 में से मतलब ये ऑन एन एवरेज 2 लोगों को ट्रांसफॉर्म कर पाता है। तो मतलब ये 10,000 का फर्जी नंबर दे के इसने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग स्कैम को खुद एक्सपोज कर दिया है। और इनफैक्ट काफ़ी लोगों के दोस्तों मेरे पास भी मैसेज आ चुके हैं रोहित खत्री के एक्स क्लाइंट्स के, जिनको ये रिप्लाई नहीं देता है। मैं काफ़ी स्क्रीन शॉट यहाँ पर भाई डाल दूंगा, मैं काफ़ी इनफैक्ट कवर भी कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में जो मैंने रोस्टिंग वीडियोज़ करी रोहित खत्री के ऊपर, कि कैसे ये अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको रिप्लाई नहीं देता, कहते हैं कि 3 बजे के बाद मुझे कॉल करना, और जो प्लान्स होते हैं भाई साहब ये कॉपी पेस्ट करता है, गूगल से प्लान उठाता है उसको वर्ड में पेस्ट करता है, उसका स्क्रीनशॉट अपने क्लाइंट को देता है। और काफ़ी अगर आप देखोगे इनके जो क्लाइंट्स के स्क्रीनशॉट होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। जबकि पर्सनल ट्रेनिंग का भाई मतलब यही होता है कि आप पर्सनल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पर्सनल ट्रेनिंग दें, जो कि कस्टमाइज होती है। गूगल से गाइड एक्सरसाइज प्लान को कॉपी पेस्ट करने को पर्सनल ट्रेनिंग नहीं कहते। देखिए मुझे हैरानी रोहित खत्री पर नहीं होती, उन लोगों पर होती है जो इससे पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, ये जानने के बावजूद कि इसको एक्सरसाइज की, न्यूट्रिशन की, सप्लीमेंटेशन की, रिकवरी की कोई नॉलेज ही नहीं है। वो इसकी वीडियोस दिखता था, ये रेगुलरली अपनी वीडियोस में मिस इन्फॉर्मेशन प्रमोट करता है, गलत सप्लीमेंट्स प्रमोट करता है, गलत एक्सरसाइज की टेक्निक परफॉर्म करता है। इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है एक्सरसाइज के लिए जो ये प्रमोट करता है वो यही होता है कि भाई मैंने अपना डोला बड़ा कर लिया है, चाहे वो इस एक्सरसाइज से किया हो, स्टेरॉइड यूज से किया हो, बट क्योंकि मेरा डोला बड़ा है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। और देखिए वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि देखिए मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है रोहित खत्री से, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं भाई एक्सरसाइज पे, न्यूट्रिशन पे या काफ़ी चीज़ों के ऊपर, बट दैट डजंट मीन कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है। और देखिए जो कशिश गुप्ता ने रोहित खत्री का नंबर लीक किया इंस्टाग्राम पे, ऐसी चीज़ों को देखिए मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ। हमारे देखिए डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग, बट हमें कभी पर्सनल नहीं होना चाहिए। और चलिए दोस्तों फाइनली इस वीडियो को भी यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पे हूँ मैं अंकुर अग्गी, मेरा यूजर नेम है, वहाँ पर अगर आप एक्टिव है तो मुझे फॉलो जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए देखिए।